बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा है रिपोर्ट अच्छी आ रही है तो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा फिल्म uh, बनाते वक्त न, मैंने तो सुना था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बट uh, uh, ये कभी uh, सोचा नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम आती है बट जब फिल्म हमने शुरू की और जब शूट शुरू हुई तो इतनी इतनी प्रॉब्लम्स आई कि हमारे हर कदम पे प्रॉब्लम्स का ही हम हमने फेस किया और प्रॉब्लम्स को ही हमने फेस कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं uh, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं हालांकि फिल्म मेकर आर एन एक्टर बट इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स इतनी आती हैं डेफिनेटली एज अ प्रोड्यूसर एज अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर मैं समझ सकती हूँ मंजू जी की प्रॉब्लम्स और uh, हमेशा एज अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर कोई भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर आपको ये बताएगा आई कैन टेल यू दैट सिंस सो द प्रॉब्लम्स डू कम बट जैसा कि मंजू जी ने कहा कि आई विल गेट यूज्ड टू इट ऐसा नहीं होगा आई थिंक प्रॉब्लम्स होंगी नहीं मुकेश जी आपके बारे में कुछ बताइए बस मैं अपने बारे में तो ये बताना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में मुकेश uh, और मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ मैं और ब्लैक बेल्ट सीखा है आपने। येस okay. और मुंबई के अंदर काफ़ी ब्रांचेस हैं अपनी आ, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं यहाँ पर mm -hmm. मुझे ये बताइए मार्शल आर्ट्स आपने इसलिए सीखा क्योंकि आ, फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर आना था एक्चुअली काफ़ी समय पहले मैं अक्षय कुमार जी की फिल्में देखा करता था और मुझे अक्षय कुमार जी की फ़ाइट बहुत अच्छी लगती है तो मुझे कहीं ऐसा लगता था काश मैं भी ऐसी फ़ाइट मुझे आ जाए और फिल्मों में मुझे चांस मिले तो बस इसी तरीके से कराटे कर करके करके कर, कर, मंजू जी ने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट रेडी की और मुझे चांस मिला प्रीति मुझे ये बताएं जब आप इतनी कम फिल्मों में काम करती है तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप स्क्रिप्ट से खुश ना हो आप हाँ नहीं बढ़ने वाली है इस फिल्म में आपको ऐसे क्या लगा कि आपने सोचा कि नहीं मुझे ये फिल्म करनी चाहिए

और हर चीज में हमें प्रॉब्लम आई है रिलीज़ रिलीज करना कितना मुश्किल था या कितना आसान था रिलीज तो बहुत मुश्किल था <laughs> हम लोग प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया तो वी थॉट कि अभी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी से ले लेगी और रिलीज कर देगी तो हम लोगों ने काफी जगह अप्रोच किया सब लोगों को कंटेंट दिखाया बट दे सेट कि नहीं इतना पैसा आपको रिलीज में लगेगा तो oh. जो मेजर प्रॉब्लम थी वो तो फाइनेंस से रिलेटेड थी सेल्फ फाइनेंस फिल्म है या इट्स अ सेल्फ फाइनेंस फिल्म तो हम लोगों को हम लोगों ने हमेशा यही सोचा था की प्रोडक्शन में ही जो फंड लगना है वो लगना है उसके बाद कोई भी कॉपोरेट कंपनी इन्वॉल्व होती है तो यू आर नॉट उसके बाद भी पैसा yes. आपको लगाना पड़ेगा यस yes. ओके okay. तो हम लोगों को अभी सबसे बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि जितना हम प्रोडक्शन में लगा रहे हैं उतना ही हमें रिलीज के लिए भी रखना है। बिकॉज आजकल फिल्म बनाना एक टास्क है एंड फिल्म रिलीज करना उससे भी डिफिकल्ट टास्क yes, हो गया है। yes. ये जब प्रॉब्लम्स आई तो आप दोनों में से किसी ने ये सोचा कि काश ये फिल्म ना होती कहीं ऐसा <laughs> ऐसा ध्यान में आया? बट रियली रियली ये है कि मैं और मंजू ने हर एक कदम पे हमने ये सोचा कि मैं इनको संभालता था ये मुझे संभालती थी हम लोग यही कहते थे नई हिम्मत नहीं हारेंगे hmm. और हमें जितना भी दुख आ रहा है हम ये सोचेंगे आगे भी और हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है क्योंकि हमें आगे प्रोजेक्ट बनाना ही है क्या बात है वेरी पॉजिटिव <laughs> Hmm. Determined है, hmm. और अपनी फिल्म के बारे में काफी पैशनेट थे प्रीति जी इस फिल्म के अलावा आप और कोई फिल्म कर रही है इस वक्त? Moment, uh, कोई हिंदी फिल्म तो नहीं है hmm. लेकिन रिसेंटली मेरी पंजाबी फिल्म बिककर भाई सेंटीमेंटल रिलीज हुई थी मेरी hmm. बंगाली फिल्म uh, मिस्टेक भी uh, This, uh, इस साल ही रिलीज हुई है okay. uh, मेरी <laughs> <We hope laughs> <laughs> तो दोस्तों ये थी टीम काश तुम होते की अगर आपने नहीं देखी है तो यू ऑट टू गो एंड हैव अ लुक बिकॉज इंटरेस्टिंग फिल्म है एंड कुछ अलग बनाने की कोशिश की है एंड प्लस न्यू प्रोड्यूसर न्यू डायरेक्टर न्यू हीरो ऑब्वियसली दे ऑल डिजर्व योर सपोर्ट दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मज़ेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन्स हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिस स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलोज ऑन ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल नाहटा विदिंग यू गुड बाय